हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 9, और मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। आसिफा को मैंने आज स्कूल छोड़ दिया और आज हम लोग अम्ब्रेला लगा के गए थे और उसको हम छोड़ के आए स्कूल, क्योंकि भैया रात के 3 बजे आए थे तो उनको उठाना सही नहीं लगा मुझे, तो हम बोले कि चलो आज भी स्कूटी से छोड़ के आते हैं, आते टाइम अगर बारिश होगी तो भैया जाएंगे लेने। तो मैं यहाँ पर नहा के रेडी हो चुकी हूँ, नहा के आई हूँ, फिर भी देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है। और बारिश ऐसी हो रही है ना गाइस कि ना वो ढंग से बारिश हो रही है ना मतलब सूखा ही है, मतलब ऐसा है ना कि चारों तरफ गीला भी करके रखे हैं लेकिन बारिश भी प्रॉपर नहीं हो रही है। मौसम मैं आप लोगों को आज का दिखाती हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने पहना है ये रानी कलर का कुर्ता जो कि मुझे गिफ्ट किया है निक्की भाभी ने, थैंक यू। और वो जयपुर गई थी तो हमारे लिए ये वाला कुर्ता लेके आई थी, मेरे लिए, दी के लिए और अपने लिए। तो मेरा बाल कितना चिपकू चिपकू सा हो रहा है ना, वो इसलिए जस्ट बिकॉज इतनी गर्मी है, मैंने खींच के बांधों को बांध दिया है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को आज के मौसम से मिलाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, उसके बाद हम चलेंगे किचन में। किचन का ऑलमोस्ट काम मैंने कर दिया है और बाकी का जो है वो सब निपटा लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, बाहर का मौसम आप लोगों को दिख रहा होगा कि बादल आसमान में है और बारिश बिल्कुल भी अभी नहीं हो रही है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। गर्मी और उमस का क्या ही बताऊं मैं। और ये बारिश तब होगी जब हम आसविका को लेने जाएंगे, पर यहाँ पर है हमारी तुलसी माँ। तो ये रहा मौसम का अपडेट, अब चलते हैं हम अंदर की तरफ और किचन में। आज पूरी बिंदी कितनी डार्क लग रही है, तो चलिए चलते हैं। पहले मैं दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने बनाई यहाँ आलू और बैंगन की क्रंची वाली भुजिया, और साथ में ये बनाया है करेले की भुजिया। तो ये दोनों सब्जियाँ हो गई हैं। और इसके बाद मैंने इसमें बॉईल करके रखे हैं मसूर की दाल, वो मैं चेक कर लेती हूँ कि पकी है कि नहीं। तो इसको मैंने जस्ट बॉईल किया है। इसके बाद हम इसमें लास्ट में इसको मसाला वसाला डाल के अच्छे से ना कि रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि बहुत गर्मियों में ना रोटी बनाने में बहुत हालत ख़राब होती है। तो मैं फटाफट पहले उसको कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई कमरे में, मेरा किचन का काम हो गया ख़त्म। अब मुझे करना है वीडियो एडिट, एक करना है, एक ब्लॉग लाइव करना है आज, तो उसको मैं शेड्यूल करूँगी। थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, वो एडिटिंग करूँगी, देन उसके बाद उसको शेड्यूल कर दूँगी। और उसके बाद आज मैं रील्स भी करूँगी, और रील्स के लिए मैंने निकाली है, मतलब मैंने क्या निकाली है, मम्मी ने दी है ये वाली साड़ी। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके की साड़ी है जिसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बट मम्मी का कहना है कि पहनोगी तो अच्छा लगेगा, तो पहन लेते हैं, लेट्स सी कैसा लगता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक पार्सल जो कि मेरा आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो चलिए दिखाते हैं। सो गाइस, विल्सन से मैंने मंगाया था ये वाला सूट, जो कि पहली बार मैंने इस ब्रांड को, मतलब इस वेबसाइट्स को विजिट किया था, और मतलब इनके जो कलेक्शंस थे वो मुझे बहुत प्यारे लगे, स्पेशली इनके जो फ्रॉक सूट है और अनारकली कुर्ते। तो मैंने सोचा कि एक तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। मैं फ़ैन चला रही थी, बहुत गर्मी लग रही है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने भी नहीं देखा है कि ये कैसा है, मैं आप लोगों को एक जगह दिखाती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा आया है। सो गाइज, ये है इनका दुपट्टा, जो कि ये मैंने मंगाया है ऑर्गेंजा बेस पे अनारकली। इसकी प्रिंट मुझे बहुत 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 प्यारी लगी। अगर फैब्रिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और
देन ये रहा कुर्ता, बॉटम नहीं था, बॉटम आपको अलग से अरेंज करना होगा या फिर आप आपके पास लेगिंग्स है या प्लाजो है उसके साथ डाल सकते हो, बट ये दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है, आप देख सकते हो पूरा एकदम फ्लेयर है। अच्छे से इन्होंने ये बॉर्डर भी बना के रखा है इस तरीके से। और अस्तर की बात करें, जो इसके अंदर अस्तर यूज़ किया है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। इसका जो सैटन यूज़ किया है ना, एकदम अच्छा वाला सैटन यूज़ किया है इन्होंने, मतलब कि वो भी नहीं एक होते खिंच जाते तन जाते उस टाइप का नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा तो मुझे बहुत पसंद आया। और ये मुझे कुछ अप्रॉक्स मिला है 1299 का, मतलब 1300 का ये मुझे मिला है, 1300 रुपये में ये मुझे मिला है। पर प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है दी बेस्ट है ये। एक्चुअली क्या है ना कि इसको मैं ऑर्डर कर चुकी थी, ऑर्डर करके मैं भूल गई थी, मतलब कि मैंने इसको ऑर्डर किया था, ऑर्डर करने के बाद मैं इसको विश लिस्ट में चला गया था, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था ये वाला प्रिंट। और भी बहुत सारे प्रिंट थे पर मैंने यही वाला मंगाया था, तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा। जो भी इसकी डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये सूट वाकई में कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। मुझे इसका प्रिंट बड़ा प्यारा लगा ना, सो मैं इसको पहनूंगी रक्षाबंधन पे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ना बहुत हौच पौच हो जाती है। पहले मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, पर कोई मतलब नहीं निकलता यार, इतना काम होता है उस दिन, बुआ जी लोग भी आती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि साड़ी और चूड़ी में, मैं बहुत गर्मी तो इस तरीके की है, तो मैंने सोचा कि प्रेफर किया कि मैं सूट ही पहनूंगी, तो मैं इसको अच्छे से पहनूंगी, अच्छे से चूड़ियों के साथ झुमके के साथ, तो रक्षाबंधन भी आप लोगों को ये लुक देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसको करते हैं फोल्ड, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कुछ की, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो का काम एडिट हो चुका है, मौसम कुछ इस तरीके से खुला हुआ है, तो अभी मैं जाऊंगी आसिका को लेने पापा के साथ और उसको लेके आऊंगी। आज सुबह वो जाते वक्त कह रही थी कि उसके पेट में दर्द है, आई होप कि अभी वो ठीक हो। मैंने वैसे बोला था उसके क्लास टीचर से कि अगर फिर से वो बोले कि मेरे पेट में दर्द है तो आप मुझे फ़ोन कर देना, तो मैं लेके चली जाऊँगी। कभी कभी होता है ना, बच्चे बहाना भी करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि देखने में तो वो ठीक लग रही थी। तो चलिए चलते हैं, दो दिन से बिग बिग के जाने में आने में ना हालत हो जा रही थी ख़राब, आज मौसम खुला खुला। घूम हो जाएगा, साड़ी छूमा है। आशु आओ, अरे आओ, आ रही है, गिर जाएंगी आप। अले 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 मैं, चलो ऐसे चलते हैं, नहीं गिर जाओगी, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आइए अंदर। इसकी लड़की की मस्ती देखो जरा, क्या कर रही हो आशिका? अभी चलो पहले चेंज करते हैं, उसके बाद के कुछ खा लो, उसके बाद खेलना। कम सो गाइस, की लड़की कितना ज़्यादा परेशान कर रही, इसी तरीके से ऐसे दौड़ रही थी। उसके बाद मैंने इसको चेंज वेंज कराया, खाना पीना खिलाया और इसको सुला दिया और खुद भी आराम करने के लिए चली गई। अब मिलूंगी मैं आप लोग को शाम को। सो गाइस, देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हुआ है और कितनी तेज़ सी बारिश हो रही है, भयंकर वाली, इसे कहते हैं बारिश यार। अभी तक तो मजाक कर रहे थे, अब हुई ना बारिश। मैं यहाँ खड़ी होकर बारिश देख रही हूँ, मुझे बारिश होते हुए ना देखना ही अच्छा लगता है, बाहर निकल के भीगना कम, तो देखने में एक अलग सा सुकून। ऐसी बारिश में तो कोई चाय पकौड़े पकड़ा दे हाथों में,
पर पकड़ाएगा कोई नहीं, खुद से बना के खाना पड़ेगा। चलो पकौड़े ना सही, चाय पी लेते हैं। सो गाइस मैं यहाँ आ गई थी किचन में और मैंने बनाई अदरक वाली एकदम चाय पत्ती, ढेर सारी डाल के कड़क वाली एकदम चाय। उसके बाद मैं पीछे से आवाज़ लगा रही थी पापा को चाय के लिए, क्योंकि वो छत पे थे, क्योंकि उनका पहले निकालना पड़ता है विदाउट शुगर और उसके बाद भी शुगर मिलाना होता है, तो मैं पापा को इसलिए आवाज़ लगा रही थी। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने कहा उनको सेट कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो वही सब मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने चाय निकालने की सोची और फिर भैया को भी मैं कॉल करके वही बुलाने ही वाली थी, तो मैंने यहाँ पे पापा की चाय निकाल दी और उसके बाद मैं अपनी चाय निकाल रही थी। और आज के खाने में आज बनना था कढ़ी और राइस, क्योंकि सब्जियाँ दोनों बची हुई थी, तो मम्मी ने कहा वही एडजस्ट कर लेंगे। बिस्किट वो साइड में वहां रखा है। नहीं वो देखो उस पैकेट के अंदर है। आप छुपाए हो क्या? आपने देखी हो अभी? सो गाइज़ मैं यहाँ पर आसवी की चम्पी कर रही हूँ और आपको ये जो ऑयल दिख रहा होगा ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने बेबी के लिए ऑयल चाहते हो तो मैं आपको बता दूँगी कि इसको कैसे मैंने बनाया है, और इसको मैंने घर पर ही रेडी किया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं क्योंकि आसवी को बाल बहुत ज़्यादा कम थे। इसका जब मुंडन हुआ था ना तो मैंने 2-4 बार और भी बाल निकलवा दिए थे, उसके बाद भी इसके बालों का वॉल्यूम काफ़ी कम था, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। और मैंने जब से इसको लगाना स्टार्ट किया है वॉल्यूम तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, साथ में ना इसके बाल जल्दी से बढ़ रहे हैं, ये चीज़ मुझे देखने को मिली है। और मैं भी इसी ऑयल से ना, मैं भी कभी कभी जब ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में ना तो इसी से कर लेती हूँ, तो आज भी मुझे कंघी करना बता रही इधर से करो उधर से करो मम्मा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ और हम लोग बातें कर रहे हैं। सो गाइस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही थी, तो मैं बेसन को इस तरीके से फेंट रही थी और दूसरी तरफ मैं बार बार देख रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ मैंने वहाँ पर फ़ोन टिका लिया था और फ़ोन में मैं देख रही थी क्राइम पेट्रोल। और मैं किचन में ऐसे ही काम करती हूँ क्योंकि और कोई बात करने वाला होता नहीं है ना, तो फिर बहुत बोर लगता है, और जब भी मैं बोर होती हूँ ना तो मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ, या तो भजन लगा लेती हूँ या फिर गाने सुनने लगती हूँ या फिर इसी तरीके से कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, कोई वेब सीरीज़। तो आज मैं ये क्राइम पेट्रोल देख रही थी और साथ में मैं कढ़ी बना रही थी, तो मैं पे बेसन भी हाथों से फेंट रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को मेरी कढ़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं कढ़ी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, एक तो सिंपली जो हमारे यूपी में बनती है, दूसरा जो महाराष्ट्रियन स्टाइल है ना वो भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे सिखाया था, तो वो भी मुझे टमाटर प्याज ऐड करके बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं बताऊँगी। सबके बनाने का तरीका पता है क्या है, रेसिपी तो नॉर्मली सबकी एक जैसी ही होती है पर सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है कि उन्होंने कुछ स्पेशली अलग से कुछ करके रखते हैं जिससे उसका स्वाद अलग हो जाता है, तो ऐसा सबकी रेसिपी में होता है चाहे वो रेसिपी कोई भी हो। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कढ़ी किस तरीके से खाना और बनाना पसंद करते हो। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं कभी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने राइस बाद में लगा ही दी थी, राइस तो खाते वक्त गरम गरम ही बनाना था, तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ क्योंकि आसविका का इसके बाद मुझे होमवर्क भी करवाना था, तो मैं वो करवाने के लिए मैंने सोचा कढ़ी बना के फटाफट हटा देती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर निकाले पकौड़े और देन उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी। सो गाइज़ यहाँ मेरी कढ़ी बॉईल हो रही है, मैंने पकौड़े भी इसके अंदर डाल दिए हैं, दिखने में तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है, साथ ही साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हमारा हो गया है डिनर और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी, अपना नाइट स्किन केयर करूँगी और उसके बाद फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी। आज भी अभी मम्मी पापा के पास है उनके कमरे में, तो मैं अपना एक दिन ना आपको अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी इसी व्लॉग के थ्रू, मतलब ये वाला व्लॉग नहीं, मतलब व्लॉग के थ्रू ही करूँगी और डिटेल्स में आपको बताऊँगी
कि रात में अपने स्किन को कैसे पैम्पर करें। आपके पास पूरे टाइम दिन काम करने के लिए टाइम होता है, पर नॉर्मली लड़कियाँ इस चीज़ को स्किप कर जाती हैं, मतलब आलस इसी में दिखाती हैं, अरे यार कान मुँह धुलेगा, पानी से धुल लो चलो, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में कभी फिर से बात करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का व्लॉग, बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।